गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के अधिवक्ता नगर वार्ड नंबर 14 स्थित एक किराए के कमरा में रहकर पढ़ाई करने वाला 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के सलेपुर गांव निवासी अबरी आलम का बेटा अफ्ताब आलम के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि मृतक की फुआ गोपालगंज किसी काम से आ रही थी। इसी बीच मृतक अफ्ताब की माँ ने अपने बेटे के लिए कुछ सामान भेजा था, जिसे देने के लिए फुआ उसके कमरे के पास पहुंची और जब उसने दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई तो दरवाजा नहीं खुला। काफी देर तक वह दरवाजे को पीटती रही। इसके बाद उसने उसके मोबाइल पर फोन किया लेकिन उसका फोन भी रिसीव नहीं हो रहा था। तब उसकी फुआ ने आसपास के लोगों की मदद से दरवाजे को तोड़ा। दरवाजा तोड़ते ही उसकी आंखों के सामने उसका भतीजा गले में गमछा का फंदा पंखे के सहारे लगाकर फांसी लगाकर झूलता हुआ नजर आया। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मचाने लगी। उसकी फुआ ने इसकी सूचना तत्काल मृतक के घर वालों को दी। इसके बाद सूचना पाकर पूरा परिवार गोपालगंज पहुंच गए। वहीं परिजनों ने स्थानीय थाना को सूचना दिया। सूचना के बाद स्थानीय थाना की पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के चाचा ने बताया कि वह 2022 से किराए के मकान में रहकर ऑनलाइन IAS की तैयारी करता था। किसी बात की कोई कमी नहीं थी, ना ही वो परेशान था। उसके पिता और भाई विदेश में सऊदी रहती हैं। घर पर मृतक की माँ और बहन रहती है, जबकि मृतक अफ्ताब किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये घटना घटी, हम लोग को घर पर खबर मिला कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। उसका फूफू आई तो सामान देने के लिए, वही आकर बताई फोन की घर पर कि ऐसा ऐसा हो गया है। तब हम लोग घर पर चले। क्या हुआ था? वो देखी कि किवाड़ बंद है, वो आकर तोड़ी उसको और गई तो देखी कि फांसी पर लटका है। अब कैसे लटका है तो मालिक जानता है। तो ये जानकारी कैसे हुआ था आप लोगों को? वो फूफू के आने से यहाँ पर आई थी। हाँ, सामान देने के लिए आई थी। क्या नाम आपका? हमारा शेख लुकमान। कौन है आप? इनके इनके चाचा हैं। लड़का तो क्या करता था? पढ़ता था। कौन से क्लास? IAS का तैयारी करता था। ऑफलाइन के ऑनलाइन? ऑनलाइन। अच्छा, यहाँ पर कब आए वो? यहाँ पर आया 22 में, पहले से था लेकिन कुछ दिन छोड़ दिया था, फिर आकर रहने लगा।